अश्विनी वर्मा जी कानपुर से। प्रभु जी राधे राधे। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि मुख्यतः सार में प्रश्न है कि भगवान में विश्वास रखने के बाद भी हम किस अज्ञानतावश मानसिक संतोष को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मतलब प्रभु में विश्वास है बट वो जो एक आनंद आना चाहिए, वो एक शांति मिलनी चाहिए, हमारा क्या कमी है? कोई अज्ञान चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तुम्हारी छाती ही बताने लगेगी, हृदय ही बताने लगेगा भगवान हैं, मेरे समीप हैं, मेरे से बात कर रहे, मैं उनको देख रहा हूँ पक्का। भगवान कपिल देव जी श्रीमद भागवत में कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो मेरा दर्शन ही नहीं मेरे से संभाषण करते हैं और मैं उनके भावानुसार उनको सुख प्रदान करता हूँ। इसका मतलब है आपका भगवत चिंतन नहीं होता है। भगवत भजन भगवत चिंतन के बिना भगवान सर्वत्र है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेहंदी का पेड़ देखा है, मेहंदी का पत्ता देखो फाड़ करके, कहीं लाली मिले तो हमें बताना। लेकिन उसको जब हम प्रक्रिया के द्वारा पीस कर हाथ में लगाते, थोड़ी देर बाद धोते तो लाल हो जाते, नहीं रंग भरे हो जाते ना। दूध में घी है सबको पता है, लेकिन दूध में पूड़ी बना के दिखाइए आप। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद जैसे दूध है, फिर दही है, फिर मंथन किया गया, मक्खन निकला, फिर घी निकला। ऐसे ही भगवत अनुभव के लिए साधनाएं हैं। अगर आप साधना नहीं करें, जैसे दूध में घी है पूड़ी नहीं पका सकते, मेहंदी में रंग है आप उसको नहीं देख सकते, कण कण में भगवान है, आप में भी हैं, आप ही हैं। दोनों बातें समझ लो, आप में भी हैं और आप ही हैं। पर बिना साधना के आप नहीं समझ सकते। उसके लिए साधनाएं बनी हैं, सांख्य योग की साधना, कर्म योग की साधना, अष्टांग योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ये ज्ञान की साधना। आप किसी एक पक्ष को पकड़ लो और चलना शुरू कर दो, मंगल हो जाएगा। नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, संतों का संग करो, धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। ये संत सब ऐसे नहीं जीवित हैं कि केवल ज्ञान की बातें कर रहे हों। अगर परमानंद ना मिले तो ये अपनी स्थिति में नहीं टिक सकते हैं। तो लाखों भारत में संत हैं, ऐसा ना समझे कि लाखों संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। लाखों, एक दो नहीं, लाखों संत हैं जो सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले और भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। पर आप हम वो न क्षमता रखते हैं उनके जानने की, न हमारे पास नेत्र हैं। ऐसे ही भगवान कण कण में विराजमान। साधन करो, बिना साधन के थोड़ी भगवान समझ में आ जाएंगे। साधन करो, असाधनों का त्याग करो, पवित्र आहार करो, देखो कुछ समय बाद तुम्हें अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, भगवान है, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। ये भक्ति मार्ग का। और ज्ञान मार्ग में जब आप साधन करेंगे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर आपको मिथ्या नजर आने लगेंगे, स्वाप्निक। अपने स्वरूप का बोध होने की तैयारी करो तो अभी अभी अनुभव में आ जाएगा कि भगवान आप में है और आप ही भगवान हैं। दोनों बात समझ में आ जाएगी, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब मार्ग में नहीं चलोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये कोई बातों से समझ में तो आने वाला है नहीं। अगर आता होता तो संत महात्मा जो भगवत मार्ग में चलते हैं, कष्ट सह करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबकी वेदनाओं को सहकर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं? आप गृहस्थ में अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग सुनिए, धीरे धीरे आपकी संशय वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जब मन निष्पाप होता है तो उसमें कोई संशय नहीं होता, और जब मन में पाप होता है तो संशय खड़ा करके हटाता रहता है। ये छल, कपट, संशय, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भय, चिंताएं, शोक, ये सब मलिन मन, पापात्मा मन का लक्षण होता है। और निशंक, निशोक, निश्चिंत, निर्भय, परम आनंद, ये सब पवित्र मन का लक्षण होता है। आत्मस्वरूप तो वैसा ही जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधार सारी साधना से मन का होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला देहाभिमानी मन बंधन है, और भगवत चिंतन करने वाला भगवत अभिमानी, ये मोक्ष का स्वरूप है। तो अब भगवत चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और पवित्र आहार कीजिए। आज आहार अपवित्र होता चला जा रहा है, हमारा व्यवहार अपवित्र होता जा, चरित्र दूषित होते जा रहे। भगवान को जान पाओगे? कैसे जान पाओगे? देखो, हम कई बार प्रश्न किया है कि बड़े बड़े बुद्धिमान जन एकत्रित होते हैं आकर के और बहुत फर्राटेदार प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न करते हैं। हम केवल इतना प्रश्न करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो तो 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष इस मकान में रहते हो गए और इस मकान की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ है, बहुत बड़ा नहीं है। आज तक आप अपने को जान पाए? इसमें बहुत बुद्धिमान हो, अपने को जान पाए? तो आप कहोगे नहीं। एक से पूछा जान पाए? बोले हाँ जानते हैं, ये है ना। नहीं, ये पोशाक है आपकी, आप नहीं है, ये शरीर पोशाक है। जो मैं है उसे मेरा नहीं कहा जाता, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। कई बार एकांतिक में चर्चा की कि शरीर को कभी कोई मैं नहीं कहता, मेरा कहता है, कहता है ना मेरा। अंदर घुसो तो मन बुद्धि आदि, इनको मेरा ही कहा जाता है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं तो नहीं कहा। तीसरा शरीर है, कारण उसको स्वभाव कहते हैं। बोले मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं है, मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं, मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं कहते। स्वभाव भी आप नहीं, अर्थात कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं, स्थूल शरीर भी आप, तो आप हैं कौन? इसका उत्तर दे दो, आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ढूंढो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्या? लेकिन आप अंदर होना जानते ही नहीं, नहीं बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहरी सुख खोजते रहते हैं। बाहरी बहिर्मुखी भगवान को कैसे जान पाएगा? खिलवाड़ है क्या? भगवान के तुम अंश हो, अपने को नहीं जान पा रहे हो, तुम भगवान को जान लोगे? विचार करके देखो। इसीलिए संतों की शरण हुआ जाता है और उनसे साधना प्राप्त की जाती है, और वो जब साधना की जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रह जाता, अपने आप अनुभव हो जाता है। आप हैं ना, आप किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत है? आप हैं ना, आप अपने को पहचान लीजिए, आप अपने को जान लीजिए, तो हम आपको बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानेंगे। लेकिन भगवान पर संशय करते हो, अपने पे तो संशय नहीं करते। आप तो है ना, तो आप क्या हैं? आप देख के बताओ हमें। ऐसे ही जिनके तुम अंश हो, वो कोई कण ऐसा नहीं कि ना हो। वो अंश भी इसलिए कहा जाता है कि आप देह भाव से हैं, इसलिए जीव कहा जाता है। और अगर देह भाव हट जाए तो एक ओहम बहुश्यामा, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। पर अगर वही आपको कहेंगे तो देहाभिमानी जीव समझ नहीं पाओगे, इसलिए भेद करके वर्णन कर रहे हैं। नाम जप करो, भगवत मार्ग में चलने की तैयारी करो, तब आप समझ पाओगे। अब संसार मार्ग में जा रहे हो और समझना चाहते हो भगवत मार्ग को, तो कैसे जान पाओगे? एक इंजीनियर पढ़ करके बढ़िया परफेक्ट, उसके पास सर्टिफिकेट थी, एक बहुत बड़े जनरेटर की दुकान में गया और कहा सर मुझे सेवा में रख लीजिए और देखो मैं बड़ा इंजीनियर हूं और आप जो उचित समझे हमें पेमेंट दे दीजिए क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं। तो उसने अपने एक इंजीनियर से कहा इसको खोल दो पूरा जनरेटर और कहा एक बार आप बांध के चला दीजिए, मैं आपको नौकरी में रख लूँगा। वो तो पढ़ा लिखा था, फौरन बांध करके वो चला, सैकड़ों बार चलाया, चला नहीं। तो उसने कहा सर मैंने जितना पढ़ा था पूरा हमने वैसे किया, चला क्यों नहीं? तो कहा तुम जो है किसी अच्छे जो प्रैक्टिस कराने वाले हैं उनके नीचे नहीं रहे तुम। हाँ, तुमने थ्योरिकल तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रैक्टिकल आपने प्राप्त नहीं किया। चलो अभी, और उसकी गैस काटी, जैविक गैस काटी, स्टार्ट किया, चल दिया। तो आप समझ लो शास्त्र पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं होता, जब तक किसी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक रंग नहीं। आप उपनिषदों को पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक केवल गुरु सेवा में है, फिर एक बात कह दी छांदोग्य उपनिषद, तुम प्राण नहीं हो। एक एक बात बताते जा रहे हो और वो 12-12 वर्ष तक सेवा में लगे। क्यों? अंतःकरण पवित्र हुआ, बताया तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो अब जो बचा सो मेरा स्वरूप, और उसी में स्थित हो गए। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, सहज है। भगवान का आश्रय लेकर के नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और डरो कि तुमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई गंदा काम ना बन जाए। तो कुछ दिनों के बाद खुद आपका हृदय शीतल होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा और प्रश्नों का उत्तर खुद हृदय में मिलने लगेगा। अब मनमानी भोजन करो, मनमानी गंदे आचरण करो, मनमानी चिंतन संसारिक करो और आप जानना चाहो सच्चिदानंद प्रभु को, तो असंभव, असंभव है। वास्तविक जानना तभी होता है जब भगवान गुरुदेव के रूप में विराजमान होकर हमारे को अपना स्वीकार कर लेते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सच्ची बात मानना। हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा जब होती है तो साधक को समझ में आने लगता है, नहीं तो ऐसे पढ़ लिख करके अगर भगवत प्राप्ति होती तो ये गोस्वामी जी बहुत शोध के लिखा, चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि तरन। भगवान शंकर के समान ज्ञानी हो, ब्रह्मा के समान चतुर हो, पर बिना गुरुदेव के चरण धूलि का आश्रय लिए वो ये नहीं प्राप्त कर। हमें लगता है महापुरुषों का आश्रय लीजिए और खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए तो समझ में आ जाएगा। वीना सुदर्शन जी, राधा वल्लभ श्रीहरिवश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे एक आसनी जप करने के लिए गुरु मंत्र दिया है और चलते फिरते नाम जाप के लिए एक अलग मंत्र दिया है। पहले मेरा चिंतन मंत्र की आराध्य देव का होता था, परंतु पिछले 2 साल से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनने से अभी श्री जी और वृंदावन धाम का ही चिंतन होता है, जबकि मैं वही मंत्र का जप करती हूँ। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, सत्संग सुनिए और अपने मार्ग को पुष्ट कीजिए। आपको जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो गुरुजी ने नाम दिया है, उसी में रति कीजिए। जो उपासना दी उसी में आसक्त होइए। उसमें जो आपकी कमियां वो सत्संग से सुनकर पूरी कीजिए। हमारी तो राय, यदि बलात् चित्त का आकर्षण हो रहा वृंदावन की तरफ तो फिर कृपा मान लीजिए। बलात् चित्त का आकर्षण हो रहा प्रभु की तरफ तो मतलब प्रभु इस मार्ग में आपको घसीट रहे हैं कि किशोरी जी अपने चरणों की तरफ आपको आकर्षित कर रही हैं, तो उसे कृपा मान लीजिए। अगर कृपा नहीं मानती हैं, त्रुटि मानती हैं, तो सुधार कर लीजिए। दोनों बातें हैं। हमारा उद्देश्य भगवान में तन्मय होना है, चाहे वो राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो। कई प्रकार की भक्तियां होती हैं। अगर अभेद भक्ति, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये अभेद स्वरूप है कि मैं वही हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही तत्व है। और उसे भेद करके, उपासना करके अभेद हो जाया जाता है। जिसे हम माना कि मेरे भगवान अमुक, और जब तन्मय होंगे तो मैं भूल जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे, बचा एक। आखिरी स्थिति सबकी एक होती है, वो प्रारंभ से एक लेके चलते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहाँ उसी सवाल हल करने को लिए हम द्वैत स्वीकार करते हैं और द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं और अद्वैत से फिर प्रेमाद्वैत हो जाते हैं। अब ये गूढ़ रहस्य है, तो पहले अपने प्रश्न का समाधान इतना समझ लीजिए। यदि आपको लग रहा है त्रुटि हो रही तो संभाल लीजिए, और लग रहा है कृपा हो रही है तो तन्मय हो जाइए। नंददास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि हम तो उन दोनों गुरु भाई है, और राम जी में क्या कमी हुई जो श्याम जी को तुमने पकड़ लिया? वही राम जी, वही श्याम जी। तो श्याम जी में ऐसी खास क्या बात हुई जो राम जी को छोड़ दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई, तो उनका छोड़ नहीं दिया। इस बंसी वाले ने बंसी की ध्वनि में मेरे चित्त को चुरा लिया और गुलाम बना दिया। मैं जानता हूं जो सारंग धनुषधारी है वही बंसीधारी, अब क्या करूं, मेरा चित्त इनका गुलाम हो गया। ये प्रेम का विषय है। फिर इसमें प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथिकित मन को अनुसरत निवारे, ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। कैसे रोका जा सकता है? हमारा हृदय यदि वही प्रभु है, श्याम सुंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें लगता है छोड़ देना चाहिए। जाओ, निहाल हो जाओ, डुबकी लगा लो। हम थोड़ी कर रहे हैं, आप घसीट रहे हैं। कृष्ण आकर्षण कर रहा है, वो घसीट रहा है। किशोरी जो आकर्षित कर रही है, अगर उसमें लगता है नहीं, मेरी गुरु निष्ठा, तुमने पहले उत्तर दिया, अपनी गुरु निष्ठा को संभालिए। और अगर ऐसा लगता है तो फिर देखो, एक जब ब्रजवासी का ब्याह होके तो माताएं अपनी नई बेटी जो बहू बनती उसको समझाती कि बेटी तुम ब्रज में जा रही हो, पातिव्रत धर्म रहना बहुत कठिन है। वहां सुना एक नंद का लाला है, और जो उसकी आंख में आंख मिला देता है वो उसी का हो जाता है। कभी तुम उसको अपना मुख मत दिखाना और कभी उसका मुख मत देखना। माता ने ऐसा पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, जब देखा कि ब्रज का ग्वाला नई गोपी लाया है तो कहा है ये अपनी बहू से कहे कि मुख दिखाए, और चढ़ गए रथ पे। अब बहू को याद आया कि माँ ने कहा था कि मुख न दिखाना और न देखना, नहीं पातिव्रत धर्म नहीं रह पाएगा। अपने पति से जो प्रेम है वो ऐसा कि उत्तम के बस अस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगना ही। तो पातिव्रत धर्म का उत्तम लक्षण तो यही। वो मुंह नहीं खोले। लालजू से सखाव ने कहा, कन्हैया तू भी बावरा है यार, इसको मुंह दिखाई तो कुछ दे। ठाकुर जी ने हारूत, फिर भी मुंह नहीं। ठाकुर जी रथ से उतरे और कहा, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो तुम मुख नहीं दिखा रही हो, कल आप प्रार्थना करोगी, रोगी हमारे लिए। ब्रज क्षेत्र है। जब ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा रुकवा दी और सबकी रक्षा के लिए गिरिराज धारण किया तो सब त्राहिमाम बोलकर भाग कर आ रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में। अब उस नववधू को उस समय प्राणों पर पड़ी हुई थी, वो शिक्षा माता की विस्मृत हो गई, भागी हुई आई और जब देखा 7 वर्ष के लाल जो महाराज गिरिराज, वो सौंदर्य माधुर्य जो बड़े बड़े मुनियों के हृदय में क्षोभ पैदा कर दे, जिनकी रूप माधुरी का श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी परमहंस आशक्त चित्त होकर 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। वो रूप माधुरी ठाकुर जी जे ही रूप माधुरी देखी तो कहा, मां तूने इतने दिनों तक मेरा बड़ा अमंगल किया, तूने साधारण धर्म की शिक्षा देकर परम धर्म से विमुख कर दिया। मूर्छित हो गए। 7 दिन नेत्र नहीं खुले, नेत्र खुले तो अपने घर में। फिर उसका जब प्राण छूटा तो वही गोपी मीरा बनी और वही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ना कोई संबंध ना कोई रिश्ता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, वही फिर भगवान में तन्मय हो गई। तो ये क्षेत्र ऐसा है। रसखान जी कहते, भाई हम तुमसे प्रार्थना करते मत जाना ब्रज में। क्यों? बोले वो नंगा बदन खड़ा है पर बहुत बड़ा चोर है, वो चित्त को चुरा लेता है। रसखान जी बड़े बड़े महापुरुषों ने तो देखो, अगर हमसे मित्रता करोगे, चर्चा करोगे, हम खुद चुरा लिए गए काशी के घाटों में वास करने वाले। और देखो तो अब हमें लगता है अगर हमारा संग करोगे तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे मन को जरूर चुरा लेंगे, तो अब राधा राधा तो बोलना पड़ेगा। तो आपको लगेगा हमारा धर्म छूट रहा है, पातिव्रत धर्म हमारा। तो हमें लगता है ये क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि हमारे स्वामी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखो भगवान शिव अपने नेत्रों से गंगा जी को रोक सकते थे, वहीं रुक जाती गंगा जी, अपार सामर्थ्यशाली, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमन निलंप निर्झरी, जटा रूपी कटाह में भ्रमित होकर गंगा जी भी बांध लिया। गंगा जी जटा में क्यों बांधा? क्योंकि भगवान का चरणोदक है, इसलिए उन्होंने बांध लिया। नेत्र से रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, जो हलाहल जहर को गले में रोक सकते, वो गंगा जी को कहीं भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने माथा खोल दिया। आप विचार करो, जितने बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हैं वो सब भगवान के चरणों में। ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाप्रेम में है। एक बार जिसकी तरफ वो मधुसूदन सरस्वती जी, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष, और एक झलक आई तो आखिरी में बोल पड़े, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है? अच्छा, अभी तो कृष्ण ही तत्व को देखा, कृष्ण के हृदय का तत्व राधा किशोरी, जिनकी मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, वो श्री कृष्ण हैं। कोटि मनमथ मनमथा। और जिनकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से महाराज व्यथित हो जाए, वो हमारी लाडली जी है। हेले वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले बंसी गिर रही है, मोर मुकुट खिसक रहा है, पीताम्बर भी गिर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? बोले मूर्छित हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले श्री जी की कटाक्ष ने इनको बेध दिया। भ्रकुट काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनि, उसका प्रताप हुआ कि कोट मनमथ हारी श्री लाल जो महाराज व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। ताम राधिकाम परिचरामि कदार सेन, ऐसी मैं श्री जी की सेविका हूं और उनकी सेवा में उपस्थित रहती हूं। तो अब ये क्षेत्र तो महाप्रेम का है, तो अगर इस क्षेत्र की चर्चा कोई भी सुनेगा तो रंग तो आएगा। जो सुना जाता है उसका रंग चढ़ता है, नहीं चढ़ता है? अब रंग चढ़ेगा तो फिर अपने अपने जहां हो, उस धर्म से आपको इस रंग में आना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो हमें लगता है कि अगर बच के रहना है तो सत्संग की वही बातें पकड़ो जो तुम्हारी गुरु निष्ठा पुष्ट करे, और सत्संग के अगर प्रेम रस की बात पकड़ोगे तो आ ही जाएंगे। अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने अपने मार्गों को छोड़कर वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे। ये वो देश है जो सर्व त्याग करा करके प्रेम रंग में रंग देता है। तो हमें लगता है त्रुटि लगे तो निष्ठा पूर्ण करो और कृपा लगे तो राधा राधा जपो। देख लो जी। सुष्मिता शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है कि बाहर रहते हुए भी YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनने को मिलता है। महाराज जी, आपने बताया है कि जो हमारे अधीन हैं हम सिर्फ उनको ही सत्संग नाम जप के लिए बता सकते हैं। इनका आगे है, महाराज जी मेरे अंदर बहुत विकार है और वाणी भी शुद्ध नहीं है। कभी कभी जब हमसे बड़े जन दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको भी नाम जप के लिए बताएं। क्या ऐसा देखना दूरदर्शन है? क्या कभी आपका YouTube वीडियो उनको फॉरवर्ड करना, ये प्रक्रिया मेरी अहमता है? मतलब लगता है कि जो दूसरे लोग इनके अधीन हैं या इनके साथी हैं, वो दुख में हैं, तो उनको नाम जप की प्रेरणा कहना चाहिए। यही भक्त हृदय है। भक्त का हृदय यही होता है ना कि जैसे आज हमने खीर पाई, अच्छा लगा, तो जो जो हमारे प्रियजन है उनको हम बताएंगे कि आज हम वहां गए थे और वहां की खीर पाई। अगर आपको कभी स्वाद लेने की बात आवे तो आप वहाँ वो खीर खाइए, क्योंकि मैंने पाया है। ऐसा प्रीता में होता ना, जो अपने प्रियजन है बाजार गए, जो हमें प्रिय लगा वो उनको लेके जाते हैं। तो जीवन का परम सुख संविधान भगवान और भगवान के नाम से होता है। जब भक्त को पता चल जाता है तो उसको लगता है ये लोग कोई भी ये दुख क्यों भोग रहे हैं, यदि नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाए तो सुख पावे। भक्त का हृदय ऐसा होता है। तो अपने एक बात ये ध्यान रखने की, जो सुनना नहीं चाहता, जो श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान के प्रति आस्तिक भाव नहीं रखता, हमारा बल काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको उपदेश करते हैं तो हमारी भक्ति में भी कमी आ जाएगी, पक्का। इसलिए थोड़ा अपनापन जहां हो, थोड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति रखता हो, उसी को उपदेश करना चाहिए, अन्यथा आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। सिद्ध पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें पीठ भी दो तो वो यही कहेंगे कि राम राम बोल तेरा मंगल होगा, है नहीं। जैसे लात मारी रावण ने विभीषण जी को, तो विभीषण जी गुस्सा नहीं हुए, उनका तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ। है नहीं, अपनी सामर्थ्य तो ऐसे ही नहीं। अगर अपने सामने इष्ट की निंदा करने लगे, कोई अवहेलना करने लगे, तो या तो आपका द्वेष हो जाएगा कि हम इसको भगवान की बात सिखा रहे हैं और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसकी निंदा करने लगेंगे, उस पर दोष दर्शन करेंगे, तो आपकी भक्ति रुक जाएगी। हमें चाहिए कि जो हमारे प्रभु से थोड़ी श्रद्धा रखता हो और हमसे अपनापन रखता हो, तभी हम उसको उपदेश दें नाम का, भजन का, कि हम गए थे या हम यूट्यूब से सत्संग सुना। कि दुख और नाना प्रकार की चिंताओं से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना है कि आप भी नाम जप किया करें। तो थोड़ा अपनापन है, थोड़ी श्रद्धा है, तो हमारी बात सुन लेगा। वो नहीं जपेगा पर सुन लेगा। लेकिन जो एकदम अश्रद्धालु है, ना भगवान से श्रद्धा करता है, ना भक्ति को जानता है, तो अवहेलना कर देगा, उपहास कर देगा, तो आपका और आपकी भक्ति का उसमें भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति पर दोष दर्शन करना हमारी भक्ति क्षीण होना है। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखें। बकाया ये तो बहुत उत्तम बात है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे परिवार के, वो नाम जप करें, भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा पढ़ें, तो उससे उनका मंगल हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं ना जी? जी, उदय सैनी जी, भरत श्रीहरिवश, राधा वल्लभ श्रीहरिवश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, सुबह शाम रोज माला से राधा नाम जप करता हूं, पर कभी कभी अति व्यस्त होने के कारण या बाहर होने के कारण माला से नाम जप न होकर मन ही मन में जाप हो पाता है। क्या मानसिक से भी जाप माला से भी उत्तम है? माला में तो थोड़ा हमारी वृत्ति बाहर आती है कि वो जब सुमेरु आएगा तो हमको फिर बदलना है, तो गणना होनी है। इसमें तो न सुमेरु से मतलब है, न गणना से मतलब है। राधा राधा राधा, तो अब ऐसा नहीं कि एक भी नाम की चूक होगी। सरकारी बैंक में तुम्हारा पूरा नाम जमा हो रहा है। यहीं चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हर कर्म का लेख हो रहा है। आप वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि एक भी राधा नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। माला से जपो, काउंटर से जपो या ऐसे जपो, वो आपका परम मंगल करेगा। और मानसिक जाप तो और उत्तम माना गया है कि हम बाहरी सेवाएं कर रहे हैं। देखो गोपी जनों ने भगवान को जो अपने प्रेम में अधीन किया उसका कारण ये था। वो लीप रही हैं घर में, भागवत में पढ़ के देखना, पर उनका नाम चल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और याद में है श्री कृष्ण की। धान कूट रहे हैं, रसोई बना रहे, जो भी कार्य कर रहे उसमें भगवान की याद में डूबी हुई है, भगवान के नाम में। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति ही समर्पित हो गई, कृष्णाकार हो गई। तो ये तो बहुत बढ़िया है। देखो गृहस्थी में ज्यादातर बैठकर भजन करने की बातें कम है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको क्रियारत रहना है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप रास्ते में नाम जप कीजिए, छुट्टी हो गई लौटते समय नाम जप कीजिए। आप जब पढ़ रहे हैं तो वो विद्या भगवान का ही स्वरूप, उसे ऐसे पढ़िए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कैसे नाम जप स्मरण करते। ऑफिस में बैठे हैं, जो काम हुआ उस समय काम कर रहे हैं, नहीं नाम जप कर रहे हैं। अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आप अपने खेतों तक जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वहां हल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, जब बैठे तब नाम जप कर रहे हैं। आप व्यापारी हो, ग्राहक आया तो उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात पूरी कर दी व्यापार की, फिर नाम जप कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में हमसे भजन नहीं होता, ये बेईमानी की बात है। ईमानदारी से आप भजन नहीं करना चाहते, नहीं भजन के लिए बहुत समय है। वैसे भी कोई 24 घंटा थोड़ी अपने माइंड को लगाए रखता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां तुम माइंड को और समय को व्यर्थ नष्ट करते हो। आप देख लो, अगर वो व्यर्थ वाला समय भगवान को दे दो तो आप महात्मा हो जाओ। 24 घंटे में हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, हर समय क्रियारत नहीं, हर समय आप तो जो समय आप खिलवाड़ में, मनोरंजन में, व्यर्थ की बातों में देते हैं। अब जैसे गांव में देखा ताश खेल रहे, अब पत्ते वाला वो जो खेल रहे हैं, अब क्या लेना देना, व्यर्थ का समय नष्ट कर रहे हो। उतनी देर बैठकर महाराज भगवान पर, वो माया ऐसी विचित्र है कि वो हुक्का पिएंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, ताश खेलेंगे, ये उनका जीवन हो। लेकिन अगरबत्ती लगा करके वो बैठकर नाम जप करे, भगवत चर्चा करे, ये बड़ा दुर्लभ विषय है। तो गृहस्थी में जिनको लगता है भजन नहीं होता, गलत बात है। आपके पास बहुत समय है जिसमें आप भजन कर सकते हैं। भजन करने वाले के लिए किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में भजन किया जा सकता। जब युद्ध में भजन किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन को कह रहे मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो हमें लगता है युद्ध से कठिन काम सृष्टि में कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले की गर्दन उतारनी हो, अपनी गर्दन बचानी है, तो इससे बड़ा कोई काम है नहीं। तो और तो सब छोटे काम है, आराम आराम से किए जा सकते। बोले हमें तो ऑफिस में 8 घंटे रहना पड़ता है, उस 8 घंटे में आप कितनी देर मेहनत करते हैं, कितनी देर लैपटॉप में रहते हैं, कितनी देर आप संभाषण करते हैं। खाली समय में आप भजन कीजिए, माना आप उसमें लगे। 8 घंटे के बाद आपका आना जाना भी तो है, तो उतने रास्ते में भजन कर लीजिए। घर में जो आप व्यर्थ का समय नष्ट, उसमें भजन कर लीजिए। पर भजन करने की बात आवे तो अगर हम चल रहे फिर रहे भजन अंदर से, तो गणना की जरूरत नहीं हो। गणना तुम्हारी सरकारी हो रही है, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, बात समझ लीजिए। इसलिए निश्चिंत रहिए, मानसिक जब और उत्तम माना जाता है, पर ईमानदारी से होना चाहिए। नहीं तो माला भी गया, गिनती भी गई, और अंदर मन का खेल कि वो नाम भूलकर प्रपंच में फंस गया। तो हमें लगता है इसमें सावधान रहना चाहिए। महाराज जी आजकल हम करीब जैसे 10-15 दोस्त हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो उस पर आज तक जो बातें थी करीब साल भर पहले से, वही फालतू के मैसेज वगैरह। अभी महाराज जी ग्रुप बनाया हमने, उस पर केवल और केवल राधा नाम के अलावा कोई बात नहीं होती। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्संग की बातें आपस में करो, आज ये सत्संग में सुना, आज ये सत्संग में सुना, तो उससे बोधयंता परस्परम भगवान कहते हैं, इससे भगवान की कृपा मिलती है। जैसे हम 4 बैठ गए और भगवान की चर्चा करते हैं कि आज सत्संग में ये बात सुनी, आपको कैसा लगेगा अगर ये बात अपने जीवन में धारण करें। देखो तो हमने तो शुरुआत की, आप भी शुरुआत कीजिए अपने मित्रों से, अपने कि अगर हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसे समय में नाम जप करें तो बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। तो अगर हम 4 लोग मिलकर खुद नाम जप करें और चाल को और पवित्र बनावे। कई ऐसे बड़े बड़े जन जो अधिकार पद पे हैं कि अब हमारे नीचे और ऊपर जो भी हम राधे राधे करके बात करते हैं कि राधे, तो वो कहेंगे राधे बात करेंगे। एक स्वभाव हमारा बन गया प्रपंच करने का। अगर उसको हम भजन में ले आवे, यह जो पर्योमय सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाहो, नाव सुदृढ़ भव तरन को, तो संसार से मुक्त होने के लिए में कोई परेशानी नहीं। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ना नौका की जरूरत है ना किसी केवट की जरूरत है भव समुद्र से पार होने के लिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान, ऐ ज्ञान संपन्न, तू विचार करके देख, नाम में इतनी सामर्थ है कि वो संसार समुद्र को ही सुखा देगा। क्या माया नहीं रह जाएगी, जिधर देखोगे उधर प्रभु दिखाई देगा। आप जपते तो रहो, आगे चलकर देखना जो चाहो रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाए। पर एक स्थिति होती कि आप कितना नाम जप करें तो आपकी स्थिति आएगी। अब 2-4-5 मिनट जपेंगे तो वैसी स्थिति आएगी, आधा घंटा जपेंगे तो वैसी, 1 घंटा तो वैसी स्थिति आएगी। पहले स्थिति आने के पहले स्थिति संभाली जाएगी, आपके जो पाप हैं उनको भस्म करेगा नाम। तो इसलिए धैर्यपूर्वक जपता रहे, ये समझ ले कि अविनाशी नाम, इसका नाश तो होना नहीं, तो हमारा मंगल होगा नहीं। अब हमको नाम को नहीं छोड़ना है, फिर आगे परिणाम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जी, विपत्ति में ज्यादा कृपा होती है जी। तो हम लोग नहीं समझते। महाराज जी क्या कहते हैं, कृपा तो अनुकूलता में रहेगी, अनुकूलता में हमारा ध्यान रहेगा, प्रतिकूलता में नहीं। लेकिन अब अभी 2-4 दिन से समझ में आया कि वास्तव में आपने कहा जितनी प्रतिकूलता होगी, जितनी नहीं हो तो विपत्ति मांगो। तो विपत्ति में, वास्तव में विपत्ति में ही ठाकुर कृपा विशेष उसमें पूर्ण अहम समर्पित हो जाता है। हाँ। पूर्ण शरणागति हो जाती विपत्ति में। अनुकूलता में साधक उसका भोग करने के कारण, अनुकूलता भोग करने के कारण वो अहम सुरक्षित रखता है। लेकिन जब प्रतिकूलता होती है तब वो दैन्य भाव से अहम प्रभु के चरणों में कि अब तो किसी काम के नहीं रहे, अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, अब मेरे में कोई साधन बल भी नहीं रह गया, साधन करने योग्य भी नहीं रह गए। हे नाथ, केवल आपकी अब कृपा का भरोसा है। यही पूर्ण शरणागति होती है, पूर्ण शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। हाँ, द्रौपदी जी जब तक अनुकूल परिस्थिति रही तब तक नहीं समझ पाई कि हम, हमारी शरणागति में कितनी कमजोरी है। और जब भारी प्रतिकूलता आई और कोई साथ देने वाला नहीं, न पति न भीष्म जैसे महापुरुष, और फिर अपने हाथों का बल भी नहीं, दांतों का बल भी नहीं, तब आखिरी में पूर्ण शरणागति, हे गोविंद द्वारिका आवाज सिंह। तो यही विपत्ति शरणागति पुष्ट कराई। जैसे गजेंद्र जब तक अपना बल रखता रहा, भगवान को नहीं पुकारा, जब सब छूट गया, अपना बल भी काम नहीं, तब पुकारा हे हरि। तो ये जो विपत्ति है ये अहम का समर्पण करवाती है। हाँ, तो ये भगवान की कृपा से हमें विपत्ति रूपी जो प्रसाद मिलता है उसका आनंद पूर्वक स्वागत करना चाहिए। हाँ, रविकांत यादव जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे माया मोह ने बुरी तरह मन को फंसा रखा, सबको फंसा रखा है, आपको ही थोड़ी फंसा रखा है। कोई बिरला ही है जो निकल पावे, नहीं तो ये ऐसी फिसलन है कि इसमें सब गिर जाते हैं। नहीं, आप विवेक को जागृत कीजिए और इससे निकल लीजिए। मानो देह निकलने के लिए मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये अवसर है निकल चलने का। कम से कम आपकी बुद्धि इतनी पवित्र है कि अपने दोषों को स्वीकार करती है कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ। तो जब पता है कि यहाँ फंस रहा हूँ तो वहां से निकल भी सकते हो। तो जो निकलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, उसी के लिए हम कहते हैं उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो। कोई ऐसा अशुद्ध पेय पदार्थ मत पियो, नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, निकल जाओगे। कर्तव्य का पालन कई रूपों में होता है। जैसे आप किसी के पति हो सकते हैं, आप किसी के पिता हो सकते हैं, आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, आप किसी के भाई हो सकते हैं, समाज में आपका कोई पद हो सकता है, राष्ट्र सेवा में आपका कोई। तो हमको अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना है और नाम जप करना है। और पवित्र आहार करना है, निकल जाओगे, माया आपको फंसा ही नहीं सकती। अगर नाम जब चल रहा है और अपने कर्तव्य का पालन है तो इस माया रूपी नाटक से आप निकल जाएंगे। हम फंसते वहां हैं जहां कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, कर्तव्य में अधर्म करने लगते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, वो वृद्ध हो गए, वो कटुवचन बोलते हैं, वो ऐसा कुछ जो हमारे अनुकूल होना चाहिए नहीं करते। अब हमको उनकी अनुकूलता ना देखकर कि हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। पत्नी है, वो अनुकूल व्यवहार नहीं करती और भ्रष्ट आचरण भी नहीं करती, हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं पर भ्रष्ट आचरण नहीं करती, तो आजीवन हमें निर्वाह करना है। हमारा कर्तव्य क्या है? भ्रष्ट आचरण पर तो फिर हम नहीं बोलते, अगर भ्रष्ट आचरण है तो फिर त्याज्य विषय आ जाता है। जो पतिवंचक परपति रति करे भ्रष्टाचरण, ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य को देखना है। अगर अपने पद का सदुपयोग, अपने धर्म का कर्तव्य ठीक से निर्वाह और नाम जप, तो इसका परिणाम होगा आप मुक्त हो जाएंगे माया से। क्यों? आपको शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। जब धर्म से चलता है तब ज्ञान होता है, जब अधर्म आचरण तो अज्ञान हो जाता है। जैसे दुर्योधन जब भगवान संधि के लिए गए तो कह रहा था, ऐसा मत समझिए कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि अधर्म में है, इसलिए आप लाख उपाय कर लीजिए मेरी समझ में नहीं आएगा, और मैं सुई की नोक भर भी आपको जमीन देने वाला नहीं, 5 गांव तो बात जाने दो। तभी युद्ध निश्चय हुआ था। वो कह रहा है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बस बहुत ज्ञान है सबको, नहीं ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, इतना तो ज्ञान सबको है, लेकिन वही हम कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हम बलहीन हो चुके हैं। कौन सा बल? अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल आता है, जिसे आप सत्संग सुने तो आपको देखो पकड़ में आया ना कि माया में फंस रहा हूं। अब अगर नाम जप करेंगे ना तो आपके अंदर बल आएगा, आप एक एक को क्रॉस कर लेंगे, एक एक को लांग जाएंगे, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को। यही माया के पार्षद हैं जो हमें फिसलाकर कमजोर करके बंधन में बांध लेते हैं। अब लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता, नहीं लगता? अब देखो, आप अविनाशी हैं, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन देह भाव को प्राप्त हो गए ऐसे कि अब मैं इसके बिना नहीं जी सकता। एक नहीं, सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनके बिना हम नहीं जी सकते। आ गया मन में ना, यही बंधन है, इसी का नाम बंधन है। बस नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग सुनते रहो, निकल जाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे कहा जाता है ना, दान पुण्य सब, हमारी आस्था इस पर नहीं। आप उदाहरण में देखिए, महाराज निरिग चरित्र पढ़ के देखिएगा, लाखों गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके सजा के रोज बांटते थे, कभी भजन नहीं हुआ। एक अपराध ऐसा बन गया कि सारे पुण्य दब गए, गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे। मतलब पुण्य आदि कोई खास बात नहीं, जैसे पाप है तो लोहे की जंजीर है, पुण्य है तो सोने की जंजीर है। खास बात है कर्तव्य का पालन और नाम जप, पक्का समझ लीजिए। ये हम पूरे शास्त्रों के सार बात कर रहे हैं। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य, और मामनुस्मर मेरा स्मरण, बस विजयी हो, कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, अपने धर्म से चूक जाते हो, भगवान का विस्मरण कर देते, माया तो फंसा ही लेगी। फंसे फंसाए नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आज कर्तव्य का कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा है। बहू है, घर में आई है, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रही। सास है, बहू के प्रति क्या कर्तव्य, वो ये समझ नहीं पा रही। पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति। अब वो लोग कैसा जीवन चले जब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रह गया है, एक दूसरे के चरित्रों पर संशय है, एक दूसरे के आचरणों पर अपवित्रता का भाव है, कैसे चल पाएगा? तो वही समझाने के लिए ऐसी निर्दयता आती चली जा रही है हृदय में कि मां अपने बच्चे को मार देती है वासना पूर्ति के लिए, पत्नी अपने पति की हत्या कर देती, पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या हो रहा है? दुर्गति। ये दुर्गति का कारण नहीं। यदि तुम्हारे परिवार में 5 लोग हैं और तुम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर सकते तुम। भगवान को क्या आराधन करो? भगवान की आराधना करने वाला तो पूरे विश्व को संतुष्ट करने का ज्ञान रखता है। पूरे विश्व को संतुष्ट करने। भक्ति का मतलब या परमार्थ का मतलब ये नहीं होता। परमार्थ वहीं दिखाओ करके जहां हो, जितनी सेवा है वहीं परिपक्व करो, नाम जप करो, महात्मा हो। आप गृहस्थी में रहते हैं, एक पत्नी का भाव, अपनी पत्नी में केवल काम भाव, ये धर्म पूर्वक है। और खूब मेहनत से नमक रोटी खाओ, भले ऐसा कमाओ और नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। अब रबड़ी रसगुल्ला के लिए बेईमानी करोगे, घूस लोगे, अधर्माचरण करोगे तो नरक जाओगे। ले ये धर्म से चलो तो सब काम बन जाए, धर्म से नहीं चला जाएगा तो बात नहीं बनेगी। और धर्म क्या है इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है। नहीं पता है, हृदय में भगवान सबको उपदेश करते हैं कि तुम पाप करने जा रहे हो, लेकिन मन ही राम नहीं मानते, मन और उसको फंसा देता है। इसलिए नाम जप प्रधान और अपने कर्तव्य का पालन। गृहस्थी में या विरक्ति में दोनों में अपने अपने अलग कर्तव्य होते हैं। एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग है। अपने कर्तव्य का पालन करना भगवान की पूजा है। अगरबत्ती लगाए हो, आरती की, इसके बाद आप कर्तव्यहीन आचरण करते हो, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कभी अगरबत्ती आरती नहीं लगाए लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है। बात कर्तव्य पालन की, और कर्तव्य पर आज कोई नहीं स्थित रहना चाहता। प्रायः अपने कर्तव्य से चूक होती चली जाती है, और अगर अपने कर्तव्य का पालन, तो यही भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। पक्का समझ, एक घटना घटेगी और आपका जीवन आपको उज्जवल भविष्य में खड़ा कर देगा। धर्म से चलने वाले को तो धर्म से चला जाए। हमारी तो सबसे प्रार्थना है, आप अपने अपने कर्तव्यों को समझिए। कर्तव्यहीनता कभी आपको सुखी नहीं रहने देगी। हर जगह कर्तव्यहीनता देखी जा रही है। जवान बालक अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हैं। कैसे कैसे चरित्र संसार में सुनने को मिल रहे, कैसे शांति प्राप्त होगी। ये बहुत कर्तव्यहीनता कहीं किसी को विश्राम नहीं लेने देगी, चाहे हम हों चाहे आप हों। अगर हम और आप अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा बन जाएगी। पहले हम अपने सुधार में, आप अपने सुधार में, तो राष्ट्र सुधरना शुरू हो गया, समाज सुधरना शुरू हो गया। समाज ऐसे नहीं सुधरता कि दूसरों को सुधारने के लिए चले और हमारे, तो हम अपना अपना सुधार करें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान कह रहे मेरे को मन दे दे, तो राधा 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 राधा, फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप माला चला रहे हैं हमारी पूजा हो रही, ऐसे आप फावड़ा चला रहे हो आपकी पूजा हो रही, बस चल रहा है दोनों के राधा राधा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कहीं माया नहीं। बोलो इस समय क्या माया है कोई माया? इस समय क्या माया है? जब आप माया का चिंतन करते हैं तब माया है, नहीं माया नहीं है। अगर भगवान का चिंतन चल रहा है तो माया कहाँ है? अच्छा, माया है कौन? भगवान की एक शक्ति है जो भ्रमात्मक है। भ्रमात्मक मतलब समझते हो ना, कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ये वर्दी है, पोशाक है, सब भगवान के चिदानंद अंश है। अब कोई ये नहीं जानता, यही भुला देना माया का कार्य है। भगवान सर्वत्र कण कण में है, लेकिन ये अनुभव ना कराना माया का कार्य है। और जब हम भक्ति करते हैं तो यह अनुभव हो जाता है। माया जो भुलावा डालती है वो मिट जाता है, तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। समझ पाए? अभिषेक जी बरेली, राधा वल्लभ श्रीहरिवश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी के द्वारा मुझे पुलिस सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग और राधा नाम का जप करता हूँ। लेकिन भगवान को नाम मानने वाले किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जब भगवान के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है तो केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं प्रभु? भगवान संपूर्ण सृष्टि की रचना करके समूहम सर्वभूतेषु, सबके अंदर विराजमान, लेकिन भक्तों के हृदय में क्यों प्रकाशित हो जाते हैं? सबके हृदय में क्यों नहीं प्रकाशित होते हैं? तो सबके, सकल जीव जन दीन दुखारी, सबके हृदय में भगवान है। सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी वर्णन आया ना। लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को भक्ति के द्वारा मार्जन करके, अविद्या का नाश करके भगवान को प्रकाशित कर लिया। ऐसे ही सर्वत्र ब्रह्म ऋषि विराजमान नहीं है। भारत भूमि ब्रह्म ऋषियों की है, महान भागवतों की है, धर्मनिष्ठों की है, तपस्वियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, बेविचारियों की भूमि नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ उतार लेते हैं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मय में स्थित कर एकाकार हैं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है, बेविचारियों की भूमि नहीं है। कि चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा बेविचार करो तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है, और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो अब किस दुर्दशा को प्राप्त होता चला जा रहा है, नास्तिकता को प्राप्त होता चला जा रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो। ये हमारे भारत भूमि में ऐसा धर्म नहीं है। ये विदेश से आया हुआ जो संस्कार है वो हमारे देशवासियों को भ्रष्ट कर रहा है। हमारा देश इसीलिए महान है कि ये सतियों का देश है, यतियों का देश है, ये परम पावन गंगा यमुना का। कहाँ की नदी ऐसी है जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएं? कहाँ की रज ऐसी है जहाँ की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं? ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान मान्य है कहीं? इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि है। इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये आज जो हो रहा है हमारे भारत भूमि का लक्षण नहीं है। ये बाल अवस्था से लेकर बेविचार जो प्रारंभ हो जाता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन, ये गंदी बातें हमारे देश की नहीं है। ये हम दूसरे देशों का अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे देश वाले हमारे देश का अनुकरण करना चाहते हैं। आप समझिए, दूसरे आते हैं ना तो चोटी रखाते हैं, धोती पहनते हैं, कंठी बांधते हैं, माला हाथ में लेते हैं, और हम भारत भूमि है, ये धर्म का देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यों भगवान अवतार लेते हैं, वो तो उनकी नास्तिकता देख रही। तुम्हें खुला नहीं दिखाई दे रही? यहाँ की भूमि का प्रताप नहीं दिखाई दे रहा है? जहाँ की रज, जहाँ का जल, जहाँ की वायु महान पावन है। हमारे देश का जैसा कहाँ देश हो? अपने पातिव्रत धर्म से यमराज की भी बुद्धि को चकरा दिया ऐसी सतियां, अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया ऐसी सतियां, अपने यति धर्म से ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। ये कहाँ मिलेगी आपको? स्वर्ग और नरक से ज्यादा कहीं वर्णन नहीं है। बाहर तो स्वर्ग और नरक से ज्यादा नहीं, जीवन मुक्त अवस्था, भगवान को अधीन करने वाला प्रेम, ये भारत भूमि में विराजमान। इसीलिए भगवान यहाँ उतार लेते हैं। है सर्वत्र समोहम सर्वभूतेषु, उस कोई ऐसा कण नहीं जिसमें हमारे भगवान न विराजमान हो। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, कोई जड़ चैतन्य हो, भगवान स्वयं बने हैं। वासुदेवा स्वरमिति, सब कुछ वासुदेव ही हैं। वासना वासुदेव से वासितम भुवनत्रयम्, सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। पर साधना और आराधना के द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। ये साधना और आराधना से परम पावन भूमि भारत है। ये कोई साधारण नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है, ये महान धर्म क्षेत्र है, ये प्रेम क्षेत्र है, ये ज्ञान क्षेत्र है। ऐसा कहीं आपको त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक में भी ऐसा नहीं मिलेगा। जो महाभागवत जन ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हैं उनको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये वो देश है। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे कभी अपने देश को इस भाव में न देखे। नास्तिक लोग कहते हैं ऐसा, मतलब हम नहीं। हाँ, नाम को उनसे परिचय नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो नास्तिक तो आएगा नहीं, भगवान का कृपा पात्र आएगा। ऐसा नहीं, हमारे भगवान व्यासदेव जी ने महाभारत में लिखा है, भारत देश में जन्म होना महान शुभ और भाग्य का प्रतीक है। मानव देह प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, ये यही लक्ष्य है, बाहर लक्ष्य नहीं है। बाहर तो पशुता का ज्यादा प्रचार प्रसार है, पशुता ही पशुता। हाँ, अभक्ष पदार्थ, उनका आहार ही मांस है, उनका जीवन ही बेविचार और भोग है। कहीं योग का नाम नहीं है। और यहाँ गृहस्थ से लेके विरक्त तक सब योग मार्ग का अनुसरण करने वाले थे, कुछ है और आगे भी रहेंगे। कुछ जो बाहरी हवा में आ चुके हैं, उनके वेशभूषा बदल गई, उनके आचरण बदल गए हैं ना। कौन सा ऐसा देश है जहाँ ब्रह्मचर्य जाना जाता हो? ब्रह्मचर्य किसे कहते? सतीत्व जाना जाता हो, पातिव्रत धर्म जाना जाता हो, यतित्व। अगर कोई तुम्हें मिलेगा ना यति, तो यहीं का चेला होगा, ध्यान रखना। भारत का ही चेला होगा। अगर कोई तुम्हें यति दिखाई दे तो भारत का ही चेला होगा। दुर्भाग्य है ये अपने देश के महानता को ना जानकर हम दूसरे का अनुसरण करते हैं। यह दूसरे का अनुसरण। हमारा देश जो है, हाँ, भगवान का परम पावन देश है। भगवान सर्वत्र हैं। अब आप विचार करके देखिए, भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? जो हम में भगवान है वो आप में है, सब में, आप यहाँ क्यों आए हैं? जैसे हम आपसे प्रश्न करें तो आप इसका उत्तर दे पाओगे? है हाँ, तो इसीलिए समझ नहीं तो आप सीधे उत्तर दे सकते हो कि जो हम नहीं कर पाए वो आप कर लिए हो, इसलिए मैं आया हूँ आपसे मिलने। जहां मैं फिसल गया हूं आप खड़े हो, इसलिए मिलने आया हूं। जो करना चाहिए वो आपने कर लिया, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं। जो करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे पश्चाताप हो, वही पुनः करना चाहता हूं। साफ बात है, पांचभूत जो यहाँ है वो वहां है, अविनाशी जो यहाँ है वो वहां है, कोई इतना अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है, आपने अंतर में फंस लिया, हम निरंतर में आ गए। अंतर रहित होकर उसका निरंतर चिंतन, उसी बात को समझने आए हो, देखने आए हो, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ये भारत देश निरंतर भगवत स्पर्श से संपन्न है। कोई ऐसा कोना नहीं जहां भगवत प्रेमी महात्मा न रहता हो, भगवत बोध। आज भी भले दंभ और पाखंड का तांडव हो रहा है, लेकिन उनके बीच में सत्य तो विराजमान है ही। अगर सत्य नोट ना होता तो नकली नोट ना बनता, अगर नकली बना है तो उसका असली कहीं है, खोजो, असली प्राप्त हो जाएगा। तो बस बात ये समझनी, एक महात्मा जहाँ विराजमान होता है, योजनों की भूमि परम पावन हो जाती है, बंधनी हो जाती है। यहाँ तो गली गली महात्मा है। दृष्टि हो तो हमारी दृष्टि में यदि दंभ और पाखंड का चश्मा है तो हमें सब जगह दंभ पाखंड दिखाई देगा। अगर सत्य का चश्मा है तो सब जगह सत्य विराजमान, ये अनुभव में आएगा। आवाज सिंह जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से हमेशा सुनती हूँ कि बहुत सारे जन्मों के गोदाम से शुभ और अशुभ कर्म निकालकर प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसको हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव, हमें यह समझ नहीं आया कि जब शरीर छोड़ने के बाद हमारी जीवात्मा को नरकादि यातनाएं सहनी पड़ती हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि हर बार मृत्यु के बाद उस जन्म के कर्मों का निपटारा हो जाता है। तो कर्मों का गोदाम कैसे बने? पूरा निपटारा क्या होता है? एक कत्ल किए ना तो पूरे आजीवन कारावास आपको मिला, एक कत्ल करने के बाद। तो यहाँ तो एक ही खुला ना, लेकिन वहां तो एक एक चेष्टाएं आपकी पता है ना, आपने जो स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, तो वो एक एक चेष्टा पता है। अब उसमें मानसिक, शारीरिक, वाणी के द्वारा एक एक अपराध है। तो अब जैसे एक कत्ल किया तो आपको आजीवन कारावास मिला, यहाँ मिला। अब ऐसे सैकड़ों अपराध हमारे गुप्त हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो भगवान के दरबार में तो उनका है ना। तो एक एक अपराध का अलग अलग दंड भुगवाया जाता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो ऐसे छोटे मोटे अपराध, तो उनमें जैसे हाय हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये साधारण पापों को, वहाँ असाधारण पापों का होता है। भारी नरक में भारी पापों का भोग भुगवाया जाता है। जो थोड़े मोड़े पाप होते हैं उनसे मिलाकर के फिमानो दे दिया जाता है। तो थोड़े थोड़े, अच्छा, किसी किसी को देखो कि भयानक पीड़ा युक्त शरीर की पूरे जीवन निकल जाता है, भयानक पीड़ा होते हुए। वो महत पाप भोगने के बाद जो बचा हुआ है वो, जैसे आप देखो सजा मिलती है तो बोले इसको 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। जब सजा दे दी तो जुर्माना काहे को दिया? विधान है। तो सजा हुई नरक में और जुर्माने में ये पॉइंट जब मनुष्य शरीर दिया गया तो रख दिया गया 20 साल में एक्सीडेंट होगा, पैर टूट जाएगा, ये उसका हिसाब हो। हमारे भगवान के न्याय में इतनी भी चूक नहीं है, आप ये पक्का समझ। किसका प्रश्न है? हाँ, इतनी भी चूक नहीं है। और पूरे जीवन में आपने एक पाप नहीं, लाखों पाप किए हैं जिनका आपको ज्ञान है और ज्ञान भी नहीं है। कुछ अज्ञान में हुए और कुछ ज्ञान में हुए, और जिनका कोई दंड आपको नहीं मिला है उनका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वो सब स्टॉक में जमा हो रहा है। वहां ऐसा थोड़ी कि भूल भुलैया हो गई। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जो भगवान का प्रेमी और भगवान का अवतारी पुरुष है, उसकी बात नहीं करता। नहीं, सबसे कुछ पुण्य और कुछ पाप बनते हैं। कुछ पाप होते, जैसे हमने किसी को अभी छेड़ा और खुल गया तो उसकी सजा होगी। किसी माई बहन को छेड़ा, ऐसा लाखों बार हो चुका है लेकिन खुला नहीं है, तो वो एक बार हमारा केस कोई खुल गया तो उसकी सजा क्या होगी? बोले नाबालिग के साथ ऐसा किया, बोले फांसी की सजा। लेकिन ऐसा 500 बार अपराध किया जो नहीं खुला है। अब वो दंड, वो तो मिलेगा ना दंड। बोले भगवान के दरबार में न्याय, ये क्या न्याय? हमने तो कोई गलती नहीं की। जैसे बिना किसी गलती के दंड मिल रहा है, तो तुमने वो गलती की है जो कोई नहीं जानता है। वो दंड कर्म आकर के अब इस रूप में दंड देगा जहां तुम्हारी कोई गलती नहीं, वहां फंस जाओगे। और वहां तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अगर इसी जन्म का देखो बचपन से अभी तक और ईमानदारी से जितना ध्यान है उतने को देखो, क्या उन चेष्टाओं का दंड नहीं है क्या? तो क्या वो फिर ही चली गई क्या? खुली नहीं है। हम हो, आप हो, आप हो, ईमानदारी से सच्चाई से देखो। श्रीधाम वृंदावन में बैठे हो, इतनी गलतियां हुई हैं कि अगर आपके सामने न्यायाधीश बनाकर आपको बैठाला जाए कि आपको इन इनका, तो आप कहोगे अच्छा मैं अपराध है, दंड मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अगर सच्चे हृदय के हो तो स्वीकार कर लोगे। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं, इसके बाद भी अवसर दिया है आपको, अब भी भजन कर लो, अब भी उनको नष्ट कर सकते हो जो इसी जन्म में हुए हैं। और भजन के द्वारा तुम तो पूरे गोदाम पे आग लगा सकते हैं। आम तो आम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। यही समझाने के लिए तो सत्संग हो रहा है कि ये जन्म तुम व्यर्थ मत जाने दो, अब अपना काम बना लो। लेकिन यहाँ काम बनाने की जगह और बिगाड़ते चले जा रहे हैं, स्टॉक पर स्टॉक रखते चले जा रहे हो, बड़े खुशी की कोई नहीं जानता है। भैया यहाँ कोई जानने ना जानने का मतलब नहीं, जिसको जानना है वो निर्णायक तुम्हारी एक एक बात को जान रहा है। भजन करो, कर्मों को भोग लो और कर्मों को भस्म कर दो, ये मुक्त होने का अवसर है। और अगर इसी में हम नए नए कर्म पाप कर्म करते रहे तो ये जो अवसर मिला है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हिसाब किताब में एक सेकंड की भी चूक नहीं है, पक्का समझ। एक सेकंड भी जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यहां तुम आए हो तो जब से आपकी सुधि हुई तब से मृत्यु तक का पूरा हिसाब होगा। अब कुछ ऐसे हैं जो केस फंस जाते हैं और हम दंड भोग लेते हैं, और कुछ ऐसे उसमें हैं कि हजारों केस दबे हुए हैं। तो यहां भी भोगो, नरक भी भोगो, अगले जन्म में भी भोगो, उसका हिसाब है। जैसे नहीं, अब जब 20 साल की उसको कैद दे दी तो जुर्माने की जरूरत क्या है? तो दिया जाता है ना जुर्माना, 50,000 जुर्माना, 1 लाख जुर्माना। अब वहीं मेहनत करो और वहीं से तुम्हारा पैसा कटता जाएगा और जेल की सजा भी भोगो। इसलिए कर्म है का एक कर्म है 10 मिनट का व्यभिचार, उसकी सजा। एक कर्म है 10 मिनट में क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, हिंसा बन गई आजीवन। ऐसे कितने गुप्त पाप हैं जिनको कोई नहीं जानता, तो उनका दंड हमें भोगना पड़ता है। और ऐसे बहुत जन्मों में अपराध हो चुके हैं, बहुत से पाप हो जाते हैं जो जान करके होते हैं। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है ना? ये जो मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा ये खा रहे हैं, पाप नहीं हो रहा है? शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, पाप नहीं हो रहा है? आप विचार करके देखिए, आपके लिए क्या शास्त्र आज्ञा करता है कि आप ये पाइए। आपके लिए 56 प्रकार के भोग हैं, सुंदर सुंदर भोग हैं। तो हम लोग मनमानी कर रहे हैं ना, लेकिन आप गौर से देखिए। अगर तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो अभी थर्रा जाओगे कि इस पाप का इतना बड़ा दंड, इस पाप का इतना बड़ा दंड। देखो ना, 10 मिनट उसने गलत किया और आजीवन बर्बादी जेल में। आप विचार करके देखो, आपने ऐसे हजारों कर्म किए हैं, अभी कोई दंड नहीं मिला, तो क्या दंड नहीं मिलेगा? एक सरकारी न्याय है भारतीय, तो यहाँ ये दंड, और एक होता भागवतिक, वहां तो कोई न वकील की जरूरत है और न वहां किसी साक्षी की जरूरत है, आप ही उसके साक्षी हैं। वो एक सेकंड में न्याय हो गया, इतना 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 हिसाब। इसीलिए डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित। डरो इस बात से कि अब दोबारा हमको नरक न जाना पड़े, हमारा काम बन जाए। तो राधा 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 राधा, भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वही बताने के लिए बेटे कि नाम जप लो, अपने कर्तव्य का पालन करो, भूल कर पाप मत करो, वो भोगना पड़ेगा, वो किसी न किसी रूप में आएगा और आपको दंड देगा। लेकिन हम उससे लड़ जाएंगे अगर हमारे पास नाम जप है, भगवान का आश्रय, तो उसे हम सह जाएंगे और आगे चलकर हम मुक्त हो जाएंगे। इसको भोग लिया, पुराने को भगवान भस्म कर दिए और नए सावधानी से चल रहे हैं कि पाप बनने ना पावे, मुक्त हो गए। समझ में आ रहा है आपको? राधा 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 राधा